So hello everyone, welcome to An Academy. So today we are going to discuss a very important topic, that is how to increase concentration during live classes. So बहुत सारे बच्चे request कर रहे थे कि जब भी वो live classes attend करते हैं तो उन्हें online classes में concentration issue होता है, वो focus नहीं कर पाते, they cannot prepare notes और बाद में उनको वो topic समझ नहीं आता है. So today we are going to deal with this problem. So without wasting any time, let's get started with the video. So the first point is, first of all, you should have a proper schedule. आप लोगों के पास एक schedule होना चाहिए ताकि आप उसके बेसिस पे पूरे डे में एक्ट कर सकें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या आपके क्लासेस के टाइमिंग हैं और किस दिन कौन से सब्जेक्ट का क्लास है, ताकि आप उस चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके लिए आपको मैप की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उसको अपने पास रखें ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल ताकि आप उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चे टू हैव अ प्रॉपर वर्क स्पेस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने जो देखा है या नोटिस किया है, बच्चे क्या इशू करते हैं, दे डू नॉट प्रेफर टेबल एंड चेयर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टेबल एंड चेयर और आप उसी में बैठ के पढ़ाई करें. उससे क्या होता है, आपको स्लीपी फील नहीं होता. पॉइंट नंबर टू इज यू शुड हैव अ प्रॉपर वर्क स्पेस. कई बच्चों को क्या होता है जो फोकस नहीं करते हैं, उनके पास वर्क स्पेस अच्छा नहीं होता है. इफ़ यू विल डेकोरेट योर वर्क स्पेस, इवेंचुअली आपको मन करेगा कि आप उस वर्क स्पेस में जाएं, आप पढ़ाई करें. आपको मैं कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूंगी ताकि आपको आइडिया लग सके. इट्स बेटर कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस टेबल एंड चेयर में अटेंड करें जैसे आप अपने स्कूल अटेंड करते हैं. दैट विल गिव यू अ फीलिंग एकदम ऑफलाइन क्लासेस की. सेकंड थिंग आपने अवॉइड करना है कि आप बेड पर बैठ करके अपनी क्लासेस लगाएं, उससे आपका सारा टेंशन चले जाता है. सो मेक श्योर आप एक वर्क स्पेस रखें जिसपे आपके सारे एसेंशियल आइटम्स उस टेबल पे हों, चाहे वो आपका पेन है, चाहे वो चीज़ें हैं, वो सारी आपके टेबल पे होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ यू शुड ऑलवेज हैव द एसेंशियल प्रोडक्ट्स आपके आसपास. लेट सपोज अगर आपको पेन का रिक्वायरमेंट है तो पेन होना चाहिए, आपका वाटर बॉटल आपके पास होना चाहिए. अदर देन दैट यू शुड हैव अ नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं या जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं वो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का मीन्स क्या होता है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे बच्चे, तो आप हमेशा टीचर की बोली हुई चीज़ों को नोट डाउन करते थे या अपने बुक में मार्क करते थे. सो जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो प्रेफर यही करना है आपके पास एक तो बुक हो जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, एंड सेकंड थिंग आपके पास एक नोटबुक हो जिसमें आप पेन डाउन कर सके उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि क्लास में चल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस. बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे गलत चीज करते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के चैट्स ऑन कर देते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, गेम्स भी पीछे चल रहे हैं जिसके नोटिफिकेशन ऑन है. तो अगर कोई भी गेम आता है, पबजी बैटल का कोई नोटिफिकेशन आया, तो बच्चे भागते भागते ऑनलाइन क्लासेस चले जाते हैं. सो यू डू नॉट हैव टू डू दैट बेटा. ऑब्वियसली आपको कोशिश करना है कि जो भी आपका क्लासेस चल रहा है तो कीप द नोटिफिकेशंस ऑफ. स्पेशली अगर आप फोन का नोटिफिकेशन नहीं बंद करना चाहते हैं, कॉल नोटिफिकेशन नहीं बंद करना चाहते हैं, तो आप अपने सेटिंग्स में जाकर के अपने पर्टिकुलर एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं. अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, अपने गेमिंग्स के आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. नेक्स्ट पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनको स्लीपी फील होता है अपने क्लासेस के टाइम पे. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं हु फील स्लीपी. अर्लियर आई ऑल्सो यूज टू फील स्लीपी जब नया नया ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ था. तो बच्चों स्लीप को अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं. अगर आपको कभी भी नींद आए तो सबसे पहले तो आप वाटर ले लीजिए उस टाइम पे. इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सम वाटर इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लीप. एंड अगर आपको उसके बाद भी ऐसा लगता है तो रिफ्रेशमेंट्स के लिए या तो आप जूस रख लीजिए, या तो अपना कोई फेवरेट ड्रिंक रख लीजिए, और कुछ फ्रूट्स हों जो आप अपने पास रखें, ताकि जब जब आपको ऐसा फील हो कि यू आर फीलिंग स्लीपी, यू आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी, यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी, यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन, और यू आर नॉट फोकसिंग इन द क्लास, सो इट्स बेटर टू टेक सम फ्रूट्स. आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपको एनर्जेटिक भी फील होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक सम ब्रेक्स. होता क्या है, आपके क्लासेस एकदम से नहीं होते, आपको हमेशा क्लासेस के बीच में कुछ ब्रेक्स मिलते हैं जहाँ पे टीचर दूसरा टीचर आता है, पहला टीचर जाता है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे आप क्या कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं. अब आपने सॉन्ग्स कैसे सुनने हैं, एनर्जेटिक सॉन्ग्स जिससे आपको एनर्जी मिले, जिसमें बीट्स हों प्रॉपर, अच्छे लिरिक्स हों गानों के, आप ऐसे सॉन्ग सुन सकते हैं ताकि आपको थोड़ा एनर्जी टू एनर्जाइज योर मूड. आप ऐसे सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आप थोड़े बहुत अपना एक्टिव हो जाएंगे, आपको और ज़्यादा पढ़ाई में मन लगने लगेगा. नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द लाइव क्लास. इन केस इफ टीचर इज टीचिंग सम टॉपिक, सो ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल. अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आपको बोर फील होगा क्लास में. इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक इंटरेस्ट, अदरवाइज यू विल लूज द इंटरेस्ट फ्रॉम द क्लास. अगर कोई भी पढ़ाई हो रही है, अगर आपका कोई भी टॉपिक चल रहा है, लेट्स सपोज द टॉपिक इज अबाउट द एनवायरमेंट, टू ट्राई टू क्वेश्चन योर टीचर, और उनसे जो भी वो क्वेश्चन करता है टीचर, उससे आंसर्स आप कर सकते हैं. आप अपने दिमाग में अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है विच यू वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग द टॉपिक, सो यू कैन आस्क योर टीचर. आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करिए. इससे क्या होता है, आपको टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहता है.
नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज सॉल्व असाइनमेंट्स और जो भी प्रैक्टिकल जो भी टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना. होता क्या है बेसिकली, लेट सपोज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया दैट इज अबाउट एनवायरमेंट, आपने उस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए, आपने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया, आपने उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज इंटरेस्ट फ्रॉम दैट टॉपिक. जब आप नेक्स्ट टॉपिक में स्विच करेंगे तो आपको फर्स्ट टॉपिक नहीं आता होगा, तो आपको धीरे धीरे करते करते वो सारा का सारा जो पेंडिंग बैकलॉग्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और आपको इवेंचुअली जो पढ़ाई पे इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा. जैसे गेम्स में होता है ना बच्चे, जब आप एक लेवल क्रॉस करते हैं दूसरा क्रॉस करते हैं तो यू ऑलवेज फील मोटिवेटेड कि आप थर्ड लेवल भी कर देंगे. सेम गोज विद द स्टडी, सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर द स्टडी ऑल्सो. आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, देन सेकेंड, देन आप थर्ड स्टेप्स पे जाइए. इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को ध्यान रख सकते हैं. और हमेशा कोशिश करना है जो भी होमवर्क टीचर देता है आप उस होमवर्क को करिए. अगर टीचर ने आपको अपना मेल आईडी प्रोवाइड किया है, नंबर प्रोवाइड किया है, इट्स ऑलवेज बेटर टू शेयर योर होमवर्क. एंड इफ यू कैन नॉट शो योर होमवर्क टू द टीचर, अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं आप अपना होमवर्क उनको जाकर के दिखा सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज बी क्रिएटिव. व्हाट डू आई मीन बाय बी क्रिएटिव बच्चे? कई बार क्या होता है ना, बच्चों को प्रॉब्लम होता है हमें ऑनलाइन क्लासेस समझ नहीं आता, या हमें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर आए उन्होंने पढ़ाया वो चले गए आपने मिस कर दिया. बच्चों फ़ोन सबके पास होता है, मतलब मैं कभी कभी ऐसे कर देती थी नया नया कि मैं अपना ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर देती थी ताकि मुझे टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. वन मोर थिंग जो आप कर सकते हैं बच्चे, आप क्रिएटिव हो सकते हैं. यानी क्या होता है ना, जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तो डोंट मेक इट बोरिंग. आप उसमें थोड़े कलर्स ऐड कर दीजिए, थोड़े फन एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, टीचर के कुछ अगर फॉर्मूलाज होते हैं या कुछ फनी वेज में आप ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करिए जिससे आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके. या ऑलवेज ट्राई टू इन्वेंट सम न्यू टेक्निक्स वाइल यू स्टडी एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर टीचर ऑल्सो, कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको अपने टीचर के साथ शेयर करिए. अगर आपने कोई नया फॉर्मूला बनाया है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते होते थे कुछ कुछ फॉर्मूलाज थे जिनके हम ट्रिक्स बना देते थे टू मेक इट शॉर्ट, टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड, तो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर सम फॉर्मूलाज और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो द लास्ट पॉइंट इज बिकॉज यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेज दीज डेज और आप मोस्टली आप स्क्रीन के आगे होते हैं जिससे आपकी आईज पे अफेक्ट हो सकता है. सो इट्स बेटर इफ़ यू पुट ऑन सम ग्लास, चाहे वो जीरो पार हो, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्मूला. इन केस अगर आपके पास वो नहीं है, उसके बाद भी आपको अपने आइस का केयर टेक करना है बच्चे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल यूज़ करिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अच्छे जूस फ्रेश फ्रूट्स ये आप ले सकते हैं. साथ के साथ बच्चों आपको कूल वाटर से ना अपने आइस को वॉश करते रहना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आइस का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है. आजकल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है डिजिटल क्लासेस की वजह से, तो दिस इज़ द मेजर प्रायोरिटी, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपने आइस का ध्यान रखना है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इन केस येस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल अन अकेडमी चैम्पियंस क्लास 6, 7 and 8. अगर आपको ऐसा ही कॉन्टेंट चाहिए बाय द इंडियाज़ लीडिंग एडुकेटर्स, सो यू कैन फॉलो द प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर द पेड कोर्सेज. अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग माई कोड दैट इज़ कृति लाइव. तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं और एकेडेमिक्स और क्रिएटिव वीडियोज़ जो भी हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकती हैं. तो सी यू सून बच्चे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.